एक सबसे बड़ी गलती जो टाटा ने करी है इस गाड़ी में, तुम बताओ। ओ ओ गलती मुझे पता लग गई क्या है। 20-21 लाख रुपए की गाड़ी में अगर आपको मिलता है पैसेंजर सीट पे, तो बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oh, fuck, fuck. Go, go, go. Yep, last one. Last one, go for it. Very good. Very good. तो गाइस जिम जाके मैं आ गया हूँ घर, और आज ना मौसम बहुत ही गजब का हो रहा है। मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है और ऐसा वैसे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। और अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, थोड़ी देर में ओंकार आ रहा है, हमारी है एक मीटिंग और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं स्टूडियो जाने का। तो अभी जल्दी से करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और होते हैं रेडी। गाइस अब बारी आ गई है रेडी होने के बाद ओंकार को पिक करने की और जाने की स्टूडियो, और स्टूडियो जाके आपको मिलने वाला हैरियर, हमारी बगीरा का रिव्यू। और भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ केम छो, मजा मा। और मुक्ति इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि घर पे आ रखी है हमारी कजन राधिका, वो कहती तुम जाओ स्टूडियो हैरियर का रिव्यू देना। ओंकार भाई अच्छा, आर यू रेडी? ऐसे ऐसे खोल के छत बोलो ना, हैरियर का रिव्यू देना है, छत की वजह से तो गाड़ी खरीदी है। रिव्यू दे रहे, फुकरी नहीं मारनी ना। देखो गाड़ी का एक फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जैसे अभी हमने छत खोली है ना, और बाई चांस बंद करना भूल गए और गाड़ी से निकल जाता है, जैसे हम गाड़ी बंद करते हैं ये छत ऑटोमेटिकली बंद होती है। सारे फीचर अभी ना बता देना कहीं जोच जोच में, आराम से बताएंगे, गाड़ी की शॉर्ट वॉट लेंगे पूरे तब बताएंगे। फाइनली पार्क कर लिए हमने हमारी बगीरा को कर लिया पार्क, और अब बारी आ गई है कुछ गाड़ी के बारे में चीजें बताने, क्योंकि काफी लोग ना बड़े दिनों से बोल रहे हैं कि गाड़ी का बताओ प्रोस क्या है कॉन्स क्या है। सबसे पहला कॉन जो है ये है काले रंग की गाड़ी, ये देखो ये मेरा हाथ है, ये मैंने इसके बोनट पे ऐसे रखा, छापा पड़ गया, गंदी बहुत ज्यादा होती है। ब्लैक कलर की गाड़ी की आपको ध्यान बड़ा रखना पड़ता है। अरे बस करो, छवि छोड़ दी है क्यों गाड़ी दुख पे? दे रहे हो मुझे। और ब्लैक कलर की कार का एक और इश्यू है सबसे बड़ा, इसको आप पेड़ के नीचे नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि वो बिट करती है। स्पेशली बिट करवाई है चिड़िया से हमने, आपको ये आपको दिखाने के लिए हमने बिट करवाई है, कितने प्रोफेशनल है हम लोग। और ना पेड़ में से गोंद वगैरह भी निकलता है, वो परमानेंटली गाड़ी का पेंट डैमेज कर सकता है। गाड़ी का जो मेरा वेरियंट है वो है XTA+ डार्क एडिशन, और ये XZA+ से नीचे वाला वेरिएंट है। गाड़ी की लुक्स के बारे में तो बात करने की मेरे को लगता है जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि गाड़ी की लुक्स अच्छी है ही है इसलिए मैंने लिया। वैसे देखो ये है लार्ज वेरिएंट, इसका जो बड़ा वेरिएंट आता है वो है सफारी, छोटा वेरिएंट आता है वो है नेक्सॉन, उससे छोटा जो आता है वो पंच। वैसे स्मॉल मीडियम लार्ज XL ये सेम इसी तरीके से गाड़ियां निकल रही, सबकी शेप ऑलमोस्ट सेम ही है, सब एक ही जैसी दिखती है, बस थोड़ा बहुत साइज का फर्क है। और इस वाले वेरिएंट में मुझे नहीं पता था कि मेरे ये वाले अलॉयज आएंगे, मुझे लगा था वो 5 spoke वाले आएंगे, बट अब XTA प्लस में भी आ रहे हैं ये वाले अलॉयज। दिस इज 17 इंच, XZA है उसमें आते 18 इंच। गाड़ी के लाइटों के बारे में बात करते हैं, ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ये है डे टाइम रनिंग लाइट, ये नीचे जो है ये है असली फंक्शनल लाइट, ये लो बीम पे प्रोजेक्टर है और ये हाई बीम पे अपना एलईडी है। ये आदित्य की गाड़ी है, मैं तो वैसे ही रट्टे मार के बस बोल रहा हूँ। देखा जाए ना ये व्हाइट कलर की है, ये येलो कलर की है, तो दो कलर की लाइटें हैं, और पहाड़ों पे अगर बर्फ वगैरह में जा रहे येलो लाइट ज्यादा काम आती है। और आज ना मैं पूरा प्रॉपर कार ब्लॉगर बन गया हूँ, आपको एक एक फीचर बताऊंगा, आप लोग बोर हो रहे हो तो बता देना, नहीं हो रहे तो बता दो मैं रही हूँ। तो यहाँ आ गई हमारी हैरियर की बैजिंग, यहाँ पे हमने इधर क्रोम लगवाया था कंपनी से, जो कि हमें करीब 1200-1500 रुपए का पड़ा है, जो कि बहुत ही महंगा था। हैरियर की बैजिंग लोगों को दिखे नहीं होगी, काले के ऊपर काले रंग की ही बैजिंग की हुई है। बूट स्पेस इसका बहुत ही ज्यादा खुला है, और इसकी जो बेस्ट बात है बूट स्पेस की वो है ये, मतलब आपको नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है इसके अंदर, आप अपने जूते चप्पल वगैरह रख सकते हो, नहीं मानते तो मैं रख के दिखाता हूँ। ये देखो ये जूते चप्पल रख लिए, और इसको बंद करके आप खुद भी जा सकते हो, इसमें कभी आपको होटल ना मिले ट्रैकिंग पे गए हो तो आप अपने डिग्गी में भी सो सकते हो आराम से।
कंफर्टेबली। अब मुझे चप्पल के बिना यहाँ पे व्लॉग बनाना पड़ा, चप्पल निकाल के दे। बूट स्पेस इज गुड इनफ। और बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर है क्या क्या नहीं है। तो अब आ गए गाड़ी के अंदर और मुझे स्टेयरिंग इसका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है थोड़ा सा दबा हुआ है तो पता नहीं मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता इसका स्टेयरिंग। बट ये कि बाकी चीजें अच्छी हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलता है। और इस वाले मॉडल में आती है आपकी छोटी स्क्रीन, मेरे ख्याल से 7 इंच की स्क्रीन है और जो इसका ऊपर वाला मॉडल है उसमें 9 इंच की आती है जो कि ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड है। कंसोल इतना ही बड़ा है उसका बट स्क्रीन छोटी है उसमें बड़ी है। और XZA प्लस में आती है अपनी सनरूफ, जैसे कि आपने देखी होगी वीडियोस में ये पूरी पीछे तक खुलती है, पैरानोमिक सनरूफ है। और ये भी जो खुलता है ये बहुत अच्छा है, मतलब आंचल और मुक्ति जैसी दो लड़कियां आराम से खड़ी हो सकती है यहाँ पे। और एक चीज और है कि अगर आपको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है या बहुत टाइट लगता है गाड़ी में, ब्लैक कलर की गाड़ी क्योंकि अंदर से, तो सनरूफ थोड़ा सा खुला कर देती है माहौल को। एज ए पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू गाड़ी का एसी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है, इंटीरियर जो है अच्छा है, डिसेंट है। एक चीज जो अच्छी है ना वो ये थोड़ा लेदर फिनिश में है और सॉफ्ट है, ये चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह क्योंकि डार्क एडिशन है तो ठीक है, पर जो है ये सारा ये आपको टॉप मॉडल में ब्लैक कलर में मिल जाता है, इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा गाड़ी पूरी खुली डुली है, कोई जगह की अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इवन अगर हम इसकी बात करें ग्लव बॉक्स की, उसमें भी दो लेयर दी हुई है, एक लेयर में आप अपनी फाइलें वगैरह रख सकते हो, नीचे सामान रख सकते हो, ये अपना ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स के अंदर चार्जिंग वाली तारें वगैरह सारा कुछ इसके अंदर ही डलता है। ये एयर कूल्ड है। अच्छा ये एयर कूल्ड है। हाँ। ओह हाँ, एक चीज जो और ज्यादा अच्छी लगी मुझे, ये जो इसके कप होल्डर है ना इसके अंदर इन्होंने ये रबड़ सी, जिसकी वजह से ग्लास जो है बहुत ज्यादा अच्छे से फिट होता है, तो ये फीचर अच्छा लगा मुझे। ओंकार अभी दिल्ली गया था गाड़ी लेके, तो तुम्हें ड्राइविंग कैसी लगी गाड़ी की? ड्राइविंग अच्छी है, ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छी बात जो है ना एसयूवी गाड़ी के हिसाब से इस गाड़ी में डामाडोल नहीं है, चोल नहीं है। थार जो है अगर आप वो चला रहे हो और पहाड़ी रास्ता ऐसे डामाडोल वाली जगह है तो वो ऐसे ऐसे पूरी डांस करते हुए जाती है, पर ये थोड़ी इंसानों की तरह सीधी जाती है, डांस करती जाती है, वो पार्टी एनिमल है, पार्टी ये पार्टी एनिमल नहीं है, थोड़ी शांत स्वभाव की गाड़ी है। गाड़ी में क्रोम बहुत जगह यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ हैंडल्स में यूज हुआ है। और गाड़ी की एवरेज जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी जैसे मैं दिल्ली लेके गया था तो ये गाड़ी अराउंड 17 की एवरेज दे रही थी जो कि अभी नहीं है। दैट इज गुड इनफ एवरेज। इफ अगर आप सोच रहे हो कि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी गाड़ी है तो 9-10 के ऊपर नहीं देगी, बल्कि होंडा सिटी 9-10 की एवरेज देती है, ये उससे ज्यादा दे रही है। थार जो है ना, थार एवरेज देती है 8.5 की। ओ भाई साहब, मतलब वो जो है ना वो सच में हाथी है और हाथी को पालना बहुत मुश्किल है, ये घोड़ा है। एक सबसे बड़ी गलती जो टाटा ने करी है इस गाड़ी में तुम बताओ। टाटा ने इसमें गलती, हाँ, लोहा ज्यादा लगा दिया क्या? नहीं, बहुत बड़ी गलती है। अब इतनी बड़ी गलती है कि घर की सारी लड़कियों से मुझे गालियां पड़ चुकी हैं। ओ ओ गलती मुझे पता लग गई क्या है। ये देखो ये है अपना धूप से बचने के लिए, और लड़कियों को यहाँ पे चाहिए होता शीशा, धूप से नहीं बचना होता, शीशा ही नहीं है इसमें। अब मुझे वो जो होता है ना वैसे 20-21 लाख रुपए की गाड़ी में अगर आपको मिरर नहीं मिलता है पैसेंजर सीट पे तो बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है। ये एक बहुत छोटी सी डिटेल है जो कि मुझे लगता है टाटा को पर बहुत बड़ी हो जाती है। अब आप चला रहे हो, आपके साथ आपकी लव्ड वन बैठी हुई है और उसने बोला चलो एक मिनट में लिपस्टिक लगा लेती हूँ, नीचे करती हूँ, और यहाँ पे क्या खटारा ले ली हुई है तुमने कसम से, यही सुना मैंने, ये क्या ले लिया हुआ तुमने, इसमें शीशा भी नहीं है। मतलब वो 21 लाख कूड़े में चले गए जस्ट बिकॉज यहाँ पे 20 रुपए का शीशा दिया है। सही बात है, तो मैं सोच रहा हूँ इधर खुद ही शीशा चिपका लूं, क्योंकि जब भी मम्मी मुक्ति आंचल गाड़ी में बैठते हैं वो ये खोलते हैं और मेरे को गालियां पड़ती हैं। बाकी एसी वगैरह जो है वो अच्छा है, पीछे भी जो है एसी वेंट्स है तो वो भी अच्छा है, वो इधर इस साइड पे दिए हुए पिलर में है एसी वेंट, वो मुझे अच्छे लगे। थोड़े नुकसान चलो हर गाड़ी में होता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो इन ऑल इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट दे हैव एडेड। ऐसे इंग्लिश मार रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो ओवरऑल देखा जाए गाड़ी इज गुड इनफ। एक चीज नहीं बताई हमने, क्या इस गाड़ी के अंदर एयर प्यूरीफायर भी है, मतलब शीशा नहीं दिया शक्ल देखने के लिए पर एयर प्यूरीफायर दिया। यहाँ पे अभी एयर प्यूरीफायर एयर क्वालिटी जो है 54 है, अगर हम जैसे दरवाजा खोलेंगे कुछ करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, लॉन्ग रूट पे जाएंगे शीशे वगैरह बंद होंगे तो एयर क्वालिटी जो है कम हो जाएगी, तो वो चीज अच्छी है। ये जो सामने पहले हम सोच रहे थे क्या चीज है, ये है अपना ऑटोमेटिक, जैसे बारिश वगैरह होती है कुछ होता है तो वाइपर ऑटोमेटिकली चल जाते हैं, लाइटें ऑटोमेटिक इसकी चलती है सब कुछ। तो इस कार में ये तीन फीचर जो भूल गए थे हम, जो कार ने दिलाए हैं
ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक कार लाइट और एयर प्योरीफायर जो कि इनबिल्ट है गाड़ी में और बहुत अच्छे से एक्टिवली वर्क करता है। ये पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी है तो इसकी चाबी रखने की जगह भी अच्छी है। हाँ, इन्होंने प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप अपनी चाबी रख सकते हो। हाँ, तो इट्स अ नाइस टच। ये अच्छी चीज है, मतलब कि ऐसे क्योंकि बंदा यहाँ रखेगा वहाँ रखेगा, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर जगह बना दी ऐसे। और मेरे ख्याल से इससे ऊपर वाले वेरिएंट में शायद यहाँ पे वो आते हैं मोड्स आते हैं। देखो यूजली क्या होता है, कंपनी क्या करती है, ज्यादा मेहनत करती नहीं है, यहाँ पे खाली छोड़ देती है, अलग से कोई चीज नहीं बनाती है। तो इन्होंने वो अलग से मेहनत की है तो उसके लिए इनको एक नंबर एक्स्ट्रा। हैंड ब्रेक के भी नंबर दे दो। ओए होए, हैंड ब्रेक तो इनकी है हवाई जहाज वाली है, पर फीलिंग आती है इसको लगा के पूरी। अब ओंकार रंधावा आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पीछे वाली सीटों में जगह कितनी है, क्योंकि ये लंबे चौड़े हैं। देखो मैंने बहुत ही ज्यादा कार रिव्यू शोज वगैरह देखे हुए हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ अराउंड 6 फुट का। अब देखिए मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ और जो आपको इसमें गाड़ी में हेडरूम मिलता है दैट इज वेरी डिसेंट। और मेरी लाते भी जो है वो यहाँ पे काफी अच्छे से आ रही है, इवन दो ये जो सीट है अभी पूरी पीछे हुई हुई है। थाय सपोर्ट कैसा है? थाय सपोर्ट, थाय सपोर्ट तो है नहीं, वो तो थाईलैंड में मिलेगा, यहाँ पे तो इंडियन सपोर्ट है, ठीक है। ओ एक चीज और आपको बतानी भूल गए, बाय चांस आप पीछे बैठे हो और आपको मोबाइल अपनी जेब में नहीं रखना है, मोबाइल रखने के लिए अलग जगह है, बॉटल के लिए अलग है, मोबाइल के लिए अलग है। ये चीज बहुत अच्छी। तो ये इन छोटी छोटी चीजों का टाटा ने ध्यान रखा है जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। और ये चीजें आपको ना यूजली लग्जरी सेगमेंट में मिलती हैं। इतनी छोटी चीजों का रखा है, जो मेन छोटी चीज थी शीशा लगाना था वो तो लगाया नहीं, मैं भाई खुद ही चिपका लूंगा उधर शीशा। और एक और जो फर्क है XZA और XTA वेरिएंट में है कीलेस एंट्री उस डोर पे, सिर्फ ड्राइवर डोर पे, और इस वाले डोर पे नहीं मिलती कीलेस एंट्री। XZA में दोनों डोर्स पे आपको कीलेस एंट्री, XZB ये मत करा कर, ऐसा बोल टॉप मॉडल और टॉप से नीचे मॉडल। अच्छा, अभी फाइनली फूडीवी की नेक्स्ट वीडियो की करनी है हमने तैयारी जो कि मुक्ति के बिना होने वाली है। लाइट गई हुई थी, लाइट फाइनली आ गई है, तो अब बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि फूडीवी की अगली वीडियो कैसे बनेगी, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा। रोड के बीच में गाड़ी लगाई हुई है ना, उसको साइड करके आओ। वो मैं भूल गया था, कोई भी सवाल हो नीचे लिख देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे आपको। आज हमने करनी थी फूडीवी की वीडियो अपलोड जो कि हमने कर दी हुई है, और अब बारी आ गई है गार्डन की, पैम्परिंग की, मतलब इस गार्डन को जितनी केयर मिली है ना, नरिशमेंट की। और अभी डल रही है खाद, तो ये मतलब जरूरी थी डालनी के या वैसे ही डाल रहे? नहीं नहीं, जरूरी थी यहाँ पे क्योंकि हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं ना इस वाली एरिया पे, तो वहाँ पे खाद वगैरह डली हो तो सब्जियों की क्वालिटी थोड़ी बेटर रहेगी, यहाँ पे डालते हैं। फाइनली फूडीवी की वीडियो डल चुकी है, और इस बार हमने ना फूडी वी पे प्रीमियर वाली चीज करी थी कि आधे घंटे वाले प्रीमियर लग जाए वीडियो का, और तो लाइव चैट कर सकते थे, तो लाइव चैट करके ना बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो के साथ साथ, मतलब वो लाइव चैट चल रही थी, आदित्य लगा हुआ है अलग से यहाँ पे शहरियाबाद ने, मैं अलग से लगा हुआ शॉर्ट आउट वगैरह दे रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो रही थी। और इसके बाद ना ये फील आ रही है कि लाइव आया करें, अब इसीलिए हमने डिसाइड किया कि संडे को OMG व्लॉग पे हमारे यहाँ लाइव तीनों मुक्ति, मैं और ओंकार, और क्योंकि लाइव में ना जो इंटरेक्शन होता है आपसे वन ऑन वन उसका अलग ही मजा आता है। और आई नो काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे OMG व्यूअर्स थोड़े से निराश हैं हमसे कि हम डेली व्लॉग्स नहीं कर रहे हैं, बट बियर विद अस अ लिटिल बिट, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट वी कैन। तो ऐसा करते हैं, इस संडे को शाम को 5 बजे रखते हैं, ठीक, इस संडे को शाम को 5 बजे हम आएंगे लाइव OMG चैनल पे, फूडीवी की वीडियो जो है वो हम 12 बजे लाइव कर रहे हैं। और ये वाली वीडियो जो आज डाली है ये भी जाके देख लेना, थिंग्स नेवर ट्राइड बिफोर ऑन फूडीवी, बहुत ही गजब की नई नई चीजें हमने दिखाई हैं उसमें, तो बड़ा ही मजा आने वाला देख के आपको। एकदम से घर आते आते हो गई है बहुत तेज बारिश शुरू, कैमरा बचा के लेके जाना पड़ रहा है। भाई साहब आज लग रहा था बारिश होगी, बट एकदम से इतनी तेज बारिश होगी ये नहीं पता था। घर आने के बाद इन मैडमों ने कर दिया है मुझे दुखी, ये कह रही है हमें कहीं घूमने जाना है, तो घूमा हो ना जाके। नहीं जाना, राधिका जी को न्यू कार में घुमाना है। हाँ। अच्छा न्यू कार हमसे मार के ले गया था। हाँ। मैं मार के, मुझे नहीं पता तुमने नई गाड़ी में घूमना था, सोच रहे थे हम काली गाड़ी में जाएंगे, फिर हमारे तो अभी हमारा प्लान बना है, जैसे कि राधिका आई हुई है घर, तो हम सोच रहे हैं कहीं बाहर आराम से बैठ के करें अपना डिनर विनर और थोड़ा सा एंजॉय करें, और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। एशियन फूड ट्राई करना, एशियन फूड का क्या होता है, बड़ा क्रेज है यार एशियन फूड का। अरे एक्चुअली ना इसे ना सुशी खानी आ गई है चॉपस्टिक से, ये सिर्फ फुकरी मारना चाहती है। मैंने तो एक बार चॉपस्टिक से खा ली थी, मैं बड़ी अच्छी खाता हूँ चॉपस्टिक से, मेरी ये देख चॉपस्टिक असली अपनी इंडिया की यही होनी चाहिए वैसे, है ना।
आज ना इन लड़कियों का है रात को मूवी का प्रोग्राम, तो ये ले लिए मूवी नाइट। मूवी का प्रोग्राम क्या होता है? हम देसी लोग हैं, मूवी का प्रोग्राम ही बोलते हैं। हमने आदि को इनवाइट नहीं करा ना, इन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो अभी पॉपकॉर्न ले रही है। मैं देख भी नहीं सकता मूवी क्योंकि मुझे सुबह जिम जाना है। इसके ऊपर ही लिखा है मूवी थिएटर बटर फ्लेवर। तो ये पॉपकॉर्न वगैरह लेंगी फिर देखेंगे घर जाके मूवी। मैं तो सोऊंगा, सुबह जिम जाना है जल्दी, तो नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट। डैडी आजा।